यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हमारे चेयरमैन साहब खुर्शीद तमन्ना और हमारे कैसर भाई, हमारे अनिता अक्का और खाजा भी मैडम, ये सब यहाँ पर आज जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। इसके कोई भी तोड़ नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर एक महिला होते हुए हम ये देख के बहुत आगे भी महिलाओं से यही गुजारिश करेंगे कि भाई हम लोग ही महिला महिला के दुश्मन है। हम लोग ही बच्चियों को बोलते हैं कि भाई बच्चियों को मारा जाए, बच्चों को लड़के चाहिए, ये बहुत गलत है। हम लोग चाहते हैं कि भाई महिला महिला की मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, तभी हम लोग आगे आ सकते हैं। और डाउरी वगैरह हम लोग महिला ही लेते हैं भाई, सास वगैरह होती है बहू से डाउरी लेती हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारी बच्ची भी वहाँ पे जा रही है, घरों में जा रही है, दूसरे घरों में हमारी बच्ची के साथ भी वो हो सकता है जो हम उनकी बच्चियों के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो यही जहन में रखते हुए गिव एंड टेक है लाइफ, एक दूसरे को देंगे, जो मिलेगा अल्लाह वही देता है एक दूसरे को। तो आगे यही चाहेंगे कि भाई सबसे पहले ये बात है कि भाई हम लोग को ये महिला मंडल जो आज खोल रहे हैं प्रगति महिला मंडल, ये खोलने की जरूरत ही क्या है? अगर हम लोग ही सुधर जाए, सब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, तो हम लोग को ये काउंसलिंग सेंटर, हम लोग को ये पुलिस स्टेशन वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़े। तो यही गुजारिश है आप लोगों से सबसे कि भाई हर चीज इंसान बने, खुदा बनने की कोशिश मत कीजिए, बस इंसान बन जाइए। एक दूसरे की तकलीफ देखिए, एक दूसरे को, दूसरों की आंखों में आंसू आए ये अच्छी बात नहीं है, किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। सेल्फिश और ग्रीडी बनना, एक ही जिंदगी है चार दिन की, आज है कल नहीं है। तो सबसे यही गुजारिश है कि भाई ऐसी मंडलें हम लोग इनॉग्रेशन करने नहीं आए, ऐसे मंडल आए, जरूरी नहीं है कि हम लोग इनॉग्रेट करें और हमारी माँ बहनें और बच्चियाँ दुखी होकर यहाँ पे आए और मदद मांगे हमारे से, ये बहुत शर्मनाक बात है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि भाई हर कोई एक दूसरे की मदद करे, और हम ये मंडल संस्था का, हम लोग प्रगति मंडल का हम लोग साथ देंगे, जो भी है कोशिश करेंगे, जो भी तकलीफ है। हमारे केसीआर साहब भी ये तेलंगाना हमारे जब से आए थे, केसीआर साहब भी ये चाह रहे हैं कि महिला पे जो जुल्म हो रहा है वो जितना कम हो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मीडिया का भी, आप लोगों का। यही गुजारिश है आप लोग भी सब घर घर में ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि हम लोग, हमारी महिला सेफ हो सके, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उनके साथ इंसाफ हो। धन्यवाद, थैंक यू जी सर। जबकि डोरी के साथ झगड़ा ही नहीं होता। हाँ सर, मैडम कुछ और होता। हाँ, एक और बात हम लोग गुजारिश करना चाहूंगी, महिला होते हुए हम लोगों को जो गवर्नमेंट या समाज या हमारा संविधान जो भी हमें आजादी दे रहा है महिलाओं को, कि भाई महिला को फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसका नाजायज फायदा मत उठाइए। क्योंकि हमारे मर्द, हम लोग ही मर्द की, घर की इज्जत हमारी इज्जत होती है। हम लोग जब चाहो छोटी छोटी चीजों के लिए पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, महिला मंडल चले जाते हैं, शीटिंग चले जाते हैं, ये बहुत गलत है। छोटी छोटी चीजों में हम लोग घर में बैठ के मसले हल कर सकते हैं। हमारी महिलाओं से ये भी गुजारिश है, आपने अच्छा सलाह किया, आपने सवाल किया, इसके लिए हम चाहेंगे एक महिला होते हुए हम दोनों तरफ इंसाफ करना चाहते हैं, न जेंट्स न लेडीज। तो महिलाओं से, हमारी महिलाओं से, बहनों से ये गुजारिश है कि भाई गलत केस मत करें, क्योंकि वो भी हमारे ही हैं, भाई हैं, बाप हैं, बहन, मतलब हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, हमारी इज्जत जाती है घर की। तो आप लोग ये बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने, महिलाओं से यही गुजारिश है कि भाई ये खामा खा जाके डाउरी का केस मत बुक करें, दूसरों को तंग मत करें। बस जो चीज है वो जाके सीधा सीधा सच बात करने में, इंसान एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो एक सच बोलो और इंसाफ पाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।